केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को बाढ़ प्रभावित जिले अशोकनगर का हवाई सर्वे किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव में हराने वाले गुना शिवपुरी सांसद केपी यादव पहली बार सिंधिया के साथ नजर आए। रविवार को गुना हवाई पट्टी पर पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला जो इससे पहले कहीं भी नजर नहीं आया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के हवाई सर्वे के बाद जिला मुख्यालय पर अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का जल्द सर्वे करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बाढ़ से 55,000 लोग प्रभावित हुए हैं, करीब 29,000 लोगों की जान बचाई गई, वहीं 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 500 से ज्यादा मकान रह गए। जब स्थिति संभल पूरी जाएगी पूरी अच्छी तरह से, ये डैमेज का आकलन, और वो डैमेज का आकलन व्यक्तिगत भी होगा और प्रशासनिक भी होगा। व्यक्तिगत जिन लोगों के घर टूट गए हैं, घर बह गए हैं, उनका आकलन, योजनाओं के तहत उनको दोबारा बसाया जाए, और जो प्रशासनीय हानि हुई है उसका भी आकलन। उदाहरण के तौर पर हम लोगों का अशोकनगर विदिशा रोड, घाट बमुरिया का सड़क, चंदेरी ललितपुर की आवागमन अभी रुक गई है, नया खेड़ा बांध चंदेरी में टूट गया है। इन सभी चीजों का आकलन किया जाए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा इनकी पूर्ति हम लोग कैसे कर पाए, इसकी रणनीति हमें बनानी होगी।